नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्ते मेरा अंशित। नाम मुझे अंशित बताया दत्त। गया है कि आप लोग क्राइम हॉटस्पॉट मैपिंग और प्रिडिक्शन मॉडल बना रहे हैं, जरा यस समझाइए सर। भाई क्या है। तो सर, मैं शिवनाथ यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं टीम आयरिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा दी गई है और उसका टाइटल है क्राइम हॉटस्पॉट प्रिडिक्शन एंड मैपिंग। इस प्रॉब्लम से हम एक ऐसा टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि पुलिस ऑफिसर्स मैप पर ये देख पाएं कि कौन कौन से वो एरियाज हैं जहां पर क्राइम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसको जान के पुलिस ऑफिसर्स बेटर बेटर अप्रोचेस ला पाएंगे जिससे कि वो इन क्राइम हॉटस्पॉट एरियाज पे क्राइम्स रिड्यूस कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हुए जो सबसे पहले हमारे को दिक्कत फेस हुई थी वो ये थी कि हमारे पास कोई डेटा सेट अवेलेबल नहीं था। तो इसके लिए हमने एक सिंथेटिक डेटा सेट क्रिएट किया। तो हमारे को जो डेटा मिला वो शिकागो शहर का था जो कि यूएसए में है। हमने उस डेटा सेट को उठा के दिल्ली के ऊपर सुपर इम्पोज करा और उसके बाद हमने रिसर्च करी कि इंडिया में जो क्राइम डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रेशियो क्या है। तो हमारे को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूशंस मेंशन थी। तो हमने 2019 की डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हुए अपने डेटा सेट में ये डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर दी। ये डेटा सेट रेडी करने के बाद हमने डिफरेंट मॉडल्स एक्सप्लोर करे और फाइनली हमने देखा कि हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का प्रयोग करेंगे। हमने क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स का यूज़ करा। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स बेसिकली ये होते हैं कि जब बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास होते हैं तो उसमें कैसे हम डिफरेंट ग्रुप्स को एनालाइज करें जिससे कि डिफरेंट क्लस्टर्स फॉर्म हो जाएं। तो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम में भी यही है कि हमारे पास बहुत सारे क्रिमिनल डेटा की लोकेशंस हैं एंड उसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स को देखना चाहते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाना चाहते हैं जहाँ पे क्राइम हॉटस्पॉट हो सकता है। अच्छा अंशित, ये जो आपका मॉडल है वो कितना फ्लेक्सिबल है? क्या आप इसे और बेहतर बना सकते हैं जिससे अपराधियों के बारे में और तेजी से जानकारी मिल सके? दूसरा, ये ड्रग की जो दुनिया है जो हमारी युवा पीढ़ी तक बहुत तेजी से ट्रैवल कर जाती है, वो क्राइम का एक अलग ही रूप है, उन चीज़ों तक जाने की संभावनाएं हैं इसमें? सर, हमने शुरू से ही अपना जो मॉडल बनाया है उसमें ध्यान रखा है कि हमारा मॉडल हर तरीके की जगहों का ध्यान रख सके। तो हमारा मॉडल बहुत स्केलेबल है जिसका मतलब ये है कि इंडिया में बहुत एरियाज़ हैं जो कि रूरल हैं और सिटी के भी एरियाज़ हैं। तो हमारे मॉडल को इस सब से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हमारे मॉडल को जिस तरीके का डेटा सेट दिया जाएगा, जिस तरीके का क्रिमिनल डेटा सेट दिया जाएगा, उस बेसिस पे वो उस एरिया पे प्रिडिक्शंस कर पाएगा और क्राइम हॉटस्पॉट्स दिखा पाएगा। अंशित, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।